ये देखें कितना जबरदस्त है। शाबेज को तो बहुत पसंद आने वाला है। वो अजीब है, क्या बात है। एक्सरसाइज टाइम शाबेज का। 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। और इसकी मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये देखें भाई, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो भाई जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। आज है वीकेंड और आपको पता है सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में आपको पता सूप की अशद जरूरत होती है। तो आज हम लोगों ने बनाया था सूप, तो ये एक बाउल बच गया था। तो सूप पीते हैं और सूप इंजॉय करने के बाद फिर अगली स्टोरी आपको सुनाते हैं। तो मिलते हैं सूप के बाद। सूप पीने के लिए सबसे पहले भाई इसके अंदर जो आपको पता है इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं, वो ना डाले जाए तो मज़ा नहीं आता। तो ये भाई हमारा सिरका। सूप मुझे लगता है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, चलें कोई बात नहीं, घर का सूप है, एंजॉय कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। शवीज को क्या हुआ है? आजू आजू आप भी आ जाए, आप भी सूप ले लें शवीज, आजू। इधर पे शवीज की मम्मा को शॉपिंग करके लाई है, वो दिखाना चाह रहे हैं जी। बहुत रीजनेबल प्राइसेस में मैं लेके आई हूँ। ये 6 पिलोज हैं। 6 पिलोज, वाह, ढेर लग गए। पहले भी इतने पिलोज पड़े हुए हैं, तो और क्या जरूरत थी इनकी। बड़े रीजनेबल प्राइसेस में मुझे ये मिल गए हैं पिलोज। ये जो है वो कलर बड़ा लाइट है, लेकिन ये है कि डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त है। इसको खोल के देखिएगा। 2-2 के पेयर था मेरे ख्याल में। 2 एक कलर के हैं, ये 2 एक कलर के हैं, ये और ये 2 एक तरह के हैं, ये 2 ये हैं और 2 ये वाले मुझे थोड़े ज़्यादा एलिगेंट लग रहे हैं। वाइट कलर है और ये ज़्यादा डिसेंट है, मुझे भी ये पसंद आए थे। बाकी बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन ये वाला कलर बड़ा ज़बरदस्त है। डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसका ना कलर का लाइट है। अगर इसी तरह इसका डार्क कलर होता ना तो ये बड़ी खूबसूरत लगने थे ये। चलिए कोई बात नहीं, वो इतने सस्ते भी तो मिले मेरे को। ये 6 पिलोज मैंने सेल से लिए हैं और ये देखें इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा। ये बड़े तकियों के लिए, तो जैसे गेस्ट वेयर आते हैं तो एक्स्ट्रा हम लोग तकिए निकालते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। और ये कितने मिले? 800 में डिस्काउंट। आइडिया से लिए हैं, कोई हमें नहीं है, लेकिन ये बहुत सस्ते मिल गए हैं, बहुत मुनासिब रेट में। अच्छा लास्ट, और ये क्या है जी? लास्ट टाइम जब हम गए थे तो 2-3 बेडशीट ली थी आइडिया से, उसको काफ़ी ज़्यादा मैंने वॉश किया, उसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और डिज़ाइन और पेंट जो है या उसका जो भी डिज़ाइन है वैसा वैसे ही रहा। तो इसलिए मैंने एक और डबल बेडशीट जो है वो ले लिया कि गेस्ट वगैरह आते हैं तो। और ये देखें कितना ज़बरदस्त है। शाबेज को तो बहुत पसंद आने वाला है। कलर अभी शाबेज के ऊपर कार्टून वगैरह बने हुए हैं, क्या क्या बना हुआ है ये देखें। ये देखें स्टार्स हैं, क्लाउड्स वगैरह बने हुए हैं और ये एलिफेंट भी बना हुआ है। ये देखें 2 पिलोज के कवर हैं और एक डबल बेडशीट है। ये डबल बेडशीट है, ये स्पेशल मैंने ना शाबेज के लिए लिया। इसमें कार्टून्स बने हुए, एक भी हमारे पास बेडशीट नहीं थी कार्टून्स वाली, तो ये नहीं वैसे बड़ी जबरदस्त लग रही है भाई। पसंद आएगी, देखिएगा। नहीं लुक में बड़ी जबरदस्त लग रही है। इसके ऊपर वो थोड़ा डिफरेंट भी है और बच्चों वाली है इसके ऊपर ना। वैसे मैंने उस टाइम से इसको बाहर से देखी थी, अब खोल के देख लूं तो बड़ी जबरदस्त है। शाबेज के पहली बार मैं अब एक दो और भी लूंगी कार्टून्स वाले। तो भी ये देखें इसकी लुक जबरदस्त लग रही है भाई, थोड़ा डिफरेंट है और लाइट कलर भी है और साथ में भाई शाबेज की बेडशीट होगी ये वाली। ये बड़ी वैसे क्यूट लग रही है। ये चेक करें भाई शाबेज के कम सारे गद्दे यहाँ से उठा लिए हैं सोफा से। ये साइड भी खाली होगी, वो साइड भी, इधर देखें वो भी सारे निकालें, सारे निकाल के यहाँ नीचे फेंक के ऊपर चढ़ा पहाड़ बना के इंजॉय कर रहा है। बताया ना मुझे ये क्या किया आपने, बताइए। हेलो, ये क्या हो रहा है? ये भाई इसकी इंजॉयमेंट हो रही है। क्या हुआ आपको? हाथ दिखाओ, क्या हुआ आपको? गंदा हो गया, क्या हुआ? सर्दी का एक और तोहफा आ गया और वो ये है जी फिश। ये देखें आप, फिश देख के हैरान हो रहेंगे। ये बड़ी छोटी छोटी फिश है भाई, ये खास फिश है और ये बड़ी दूर से मैंने ली थी। पिशावर 400 वाला एरिया से लेके आए थे और तकरीबन 2 किलो फिश थी। और भाई ये आखिरी 30 बचे हैं। ये होती छोटी छोटी फिश है। ये देखें ये पूरी फिश है, ये चेक करें, ये भी, और ये थोड़ी सी बड़ी है ये वाली है। और ये देखें ये छोटी छोटी फिश होती है। इसका साइज ही इतना होता है, आप इसके ज़्यादा पीस काट नहीं सकते। इसका नाम है माशा। ये बड़ी मज़े की होती है और बाकी फिश की निस्बत भाई ये महंगी मिलती है। ये तकरीबन मुझे 1800 रुपया किलो मिली है। फ्राई नहीं करेंगे ऑयल में, इसका बारबेक्यू बनाएंगे, लेकिन हमारे पास कोयले वगैरह नहीं है। हम लोग ने एक जुगाड़ ढूंढा, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि बारबेक्यू कैसे बनाते हैं। बारबेक्यू बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ये मैश अवेलेबल है। इसके अंदर हम फिश को लगाएंगे, फिर इसकी ऑयलिंग वगैरह भी करेंगे और साथ साथ इसको इसका बारबेक्यू बनाएंगे। आए मिल के बनाते हैं इसका बारबेक्यू। ये भाई थोड़ा बड़ा पीस है, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा, भाई ये 5 पीस हैं। इसको कर लेते हैं जी ऐसे बंद। अब मसला रह गया भाई इसका बारबेक्यू बनेगा कैसे, क्योंकि कोयले है नहीं। तो उसका अल्टरनेट तो ढूंढा, ट्राई करते हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। आग का इंतजाम कुछ ऐसे किया है कि हीटर के साथ गैस का पाइप लगाया, इसको करते हैं ऑन और फिर इसके ऊपर करेंगे फ्राई। इसको हीटर हमारा ऑन हो गया, अब ये थोड़ा गर्म होगा, फिर ये रेड रेड होगा तो फिर इसके ऊपर हम फिश को रखते हैं। इसके ऊपर मसाला वगैरह मैंने नहीं लगाया, मसाला इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ था, जहाँ से ली थी उससे सारी साफ करवाई थी और मसाला वगैरह लगवा के वहीं से लेके आए थे ताकि वो सेफ रहे, खराब ना हो। अब क्या पता हमारा हीटर ही ना खराब हो जाए, इसके ऊपर वो गिरेगा, ऑयल शेयर वगैरह गिरेगा, हो सकता है कि आग वगैरह भड़क ना उठे, लेकिन ये कि अभी काम सही कर रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ज़रा स्लो प्रोसेस में होगा। काफ़ी ऐसा ऐसा बजना शुरू हो गया बारबेक्यू वाले जी, एक साइड अभी थोड़ी सी रखिए और ऐसे लग रहा है कि तकरीबन आधी जो है ये बारबेक्यू इसका बन ही गया। वैसे ही हमारा जुगाड़ जो है थोड़ा खतरनाक है क्योंकि ये रूटीन से हट गया, डिफरेंट है, लेकिन ये क्या है कि हम फिर जुगाड़ तो लगा ही लेते हैं। अभी तकरीबन हाफ जो है ना पक चुकी है और हाफ भी रहती है, थोड़ा सा पे टाइम और लगेगा इसको कम्प्लीटली पकने में। ऐसे ऐसे इसकी वो बारबेक्यू वाली लुक बन रही है, ये चेक करें। हाँ, कोई सलामत फिश जो है ना वो बची नहीं क्योंकि वो टूट फूट गई है, क्योंकि वो जाली से निकालते हुए उसके साथ चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से निकालते हुए टूट फूट गई। इसकी आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि इसके अंदर ज़्यादा कांटे नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ एक सेंटर में ही कांटा होता है, उसके ऐसी कंगी सी बनी होती है, बस वो निकाल दो तो बाकी कांटे नहीं होते। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है। ये देखिए, ये एक छोटी सी फिश है, इसके अंदर ये सारा कुछ निकाल दें, ये इसके अंदर एक कांटा होता है, ये वाला, ये सारा ऐसे जब निकल जाता है तो बाकी कोई कांटा बचता नहीं। ये निकल गई, ये अब सारी ये जो है ये बोटी है, इसके अंदर कांटे नहीं है, सिर्फ ये वाला एक कांटा। इसको केचप के साथ टेस्ट करते हैं, लेकिन ये केस के लिए ख़ास किस्म की फ़िश को खाने के लिए वो चटनी होती है, जैसे आलू बुखारे इमली की चटनी होती है और भी उस तरह के साथ टमाटर की मिर्चों की चटनी होती है, वो साथ हो तो फ़िश का जो मज़ा है ना वो डबल हो जाता है। बिस्मिल्लाह, आप एक दफ़ा लेके इसको ट्राई कीजिएगा, आपको वाज़ह टेस्ट में फ़र्क आएगा कि जो रोहू हम खाते हैं नॉर्मल रूटीन में उसमें और इसमें कितना टेस्ट में फ़र्क है, ये बड़ी मज़े की लगती है। इस फिश का नाम है माशा। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि भाई साहब और भाभी जो है उम्र से वापस आ गए हैं और उनको रिसीव करने भी मैं खुद गया था, अकेला ही गया था, एक ही बंदा लेने गया था और कोई भी नहीं था हमारे साथ, ना शवेज की मामा थी ना शवेज मेरे साथ था, क्योंकि उनकी फ्लाइट जो है काफ़ी लेट थी, रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 पहुंची और फिर एक क्लियर करवाते करवाते सामान भी लेना होता, सारी चीज़ें जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करते करते तकरीबन जो है रात के 2 बज गए थे। उनको वहाँ से पिक किया एयरपोर्ट से और फिर घर लेके आए थे, प्रॉपरली जो है ना उनको वेलकम नहीं कर सके, इसी वजह से कि भाई रात थी, काफ़ी लेट था और दूसरी बात ये थी कि मैं अकेला था। भाई सब लोग हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आए थे, कुछ तो हमें यहाँ देख गए हैं और बाकी वो कह रहे थे कि जब आप वहाँ आएंगे गांव में तो फिर बाकी के देंगे, क्योंकि वो पैक किए हुए थे और नीचे थे, निकालना ज़रा मुश्किल थे, तो ये कुछ थे जो ऊपर ऊपर थे, उन्होंने निकाल के हमें दे दिए थे। एक तो भाई ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये टोपी, ये ज़रूरी होती है, जो भी उम्रे पे जाता है टोपी लाजमी लेके आता है, तो ये बे खाना काबा वाली टोपी है, अब उन्होंने ऊपर खाना काबा बनाना शुरू कर दिया, पहले ऐसा नहीं होता था। एक मिली है जी ये तस्वीर, डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर सा है, बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए कि चांद सितारा बना हुआ है इसके ऊपर, वाह, ये भी भाई ये एक एडिशनल चीज़ मैंने देखी है, पहले सिंपल सिंपल ये होती थी और उसके बाद ये डोरी सी लगी होती थी। और ये खजूरें मिली हैं, इसमें कुछ स्पेशल खजूरें हैं, कुछ आम खजूरें हैं और कुछ ख़ास स्पेशल हैं। अच्छा भाई वो बता रहे थे कि भाई तसव्वुर के ये वाली जो खजूरें हैं ये वहाँ की ख़ास खजूर है, जो कि वहाँ पे सऊदी अरेबिया वाले लोग, लोकल लोग हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। तो ये अजवा खजूर है, ये इसका क्या नाम है आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि ये सबसे मशहूर और महंगी खजूर है उनकी और स्पेशल है। और ये है जी मबरूम, ये तो इसको तो मैं जानता हूँ, ये मैंने पहले भी खाई है। तो ये मबरूम है, अजवा है और ये इसका नाम मुझे नहीं आ रहा। तो ये 2-3 टाइप की भाई खजूर हैं। इसके अलावा एक और गिफ्ट भी था और वो था टॉय, वो शवेज ने ले लिया है, वो अपने खेल कूद कर रहा है उसने, वैसे मेरे ख्याल में पत्नी वो बच्चा भी है कि नहीं उसने तोड़ दिया। इसके अलावा एक और गिफ्ट है और वो ये है जी परफ्यूम अबीर अल ओद। और इसकी मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि ये कहाँ का बना हुआ है, ये आप देखेंगे तो आप ज़रा हैरान होंगे कि ये क्या बात होगी। ये देखें भाई, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इंडिया से बन के वहाँ पर जाती। और मैंने ये भी सुना है कि ऊद जो है सबसे ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का इंडिया में ही पाया जाता है, कि वहाँ से मैनुफेक्चरिंग होती है और सऊदिया जाता है और फिर सऊदिया से लोग खरीद के यहाँ लेके आ जाते हैं दोबारा। ऊद की कहते हैं कि बड़ी खुशबू होती है। ये चेक करें भाई, ये इसकी बोतल बाहर आ गई, अबीर अल ओद। ये भैया इसका कलर चेक करेंगे, इस तरह के इसका कलर है, ये ऊपर कपड़े का बना हुआ कवर से चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर ये इसका कलर है। अब ये कि हर बंदे का एक अपना टेस्ट होता है खुशबू का, किसी को पसंद होती है किसी को पसंद नहीं होती। मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम ऊद की जो खुशबू है मैं उसको यूज़ करने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसी है। इस तरह की खुशबू जो है वो इतर वगैरह से आती है, मेरे ख्याल में जो ऊद के इतर होते हैं वो शायद ऊद के ही होते होंगे, और हैवी खुशबू है, लाइट नहीं है। हैवी खुशबू जो है अभी सर्दियों में तो चल जाती है, लेकिन ये कि गर्मियों में बहुत हैवी हो जाती है और मुश्किल हो जाता है उसको बर्दाश्त करना। लेकिन ये कि भाई ये मुकद्दस जगह से आया, हम इसको यूज़ करेंगे और इसकी खुशबू को इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो ये रहे कुछ गिफ्ट, लेकिन ये कह रहे हैं कि और भी मिलने हैं, वो जाएंगे तो वो भी मिलेंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये खास चीज़ तो मैं भूल ही गया और वो मिसिंग है, और वो है आबे जमजम, वो हमें नहीं मिला। वो भी जाएंगे तो मिलेगा, वो भी कहीं नीचे पैकिंग में था, इसलिए वो भी अभी फिलहाल मिस हो गया।